जीत गई ओए। तो फाइनली हमें वो घड़ी देखने को मिली जब आरसीबी जीत गई। हम आरसीबी के पक्के फैन जो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बोला है कि आरसीबी इस साल जीतेगी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है दिल में यार। कल के मैच का तो पूछो ही मत। 171 की पार्टनरशिप निभाई है विराट कोहली और फैफ डुप्लेसिस ने। वैसे तो जैसे जैसे आईपीएल खत्म होता है टीमों का प्रेशर बढ़ता है, पर यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया। यहाँ पे प्रेशर घट गया। विराट कोहली ने जो रिलैक्स होकर अपनी पारी खेली है ओए होए, और लास्ट का वो छक्का जिससे विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी बनाई है जबरदस्ती पेल दिया। कल विराट कोहली की बैटिंग देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली आईपीएल कम और गली क्रिकेट ज्यादा खेल रहे हैं। दे चौके दे छक्के, बंदे ने 12 चौके बिठा दिए। और वहीं दूसरी तरफ फैफ भाई भी कम नहीं थे, वो भी पहले जा रहे हैं। विराट कोहली को किंग कोहली ऐसे ही नहीं बोलते, ये ऐसे ऐसे सरप्राइज देते हैं ना, घर में बैठे बैठे दिलों में धमाके कर देते हैं। जैसे कल उनकी सेंचुरी हुई मैंने तो ऐसे प्रणाम किया भाई साहब को। अपना तुसी ग्रेट हो तो कबूल करो। और जैसे 171 रन बन गए फिर तो ब्रेसवेल और मैक्सवेल आते हैं दोनों भाई रिलैक्स होके। अरे हम तो फिनिशिंग टच देने गए थे, बाकी काम तो विराट और फैफ भाई कर ही चुके थे। वैसे तो टोरा हो तो विराट कोहली जैसा ही हो, हैदराबाद का ग्राउंड और नारे लग रहे हैं कोहली कोहली। आरसीबी का तो मैच एक तरफा ही था, दो ही बंदों ने पूरा पूरा काम तमाम कर दिया। और जब विराट कोहली से पूछा गया कि आपकी फैफ भाई से पार्टनरशिप इतनी अच्छी क्यों है, तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं, आई थिंक इट्स द टैटूज, मस्ट बी, आई गॉट अ फ्यू एज़ वेल, वी कॉल ईच अदर द इंक बॉयज। ये देख के तो एक एक टैटू हम सारे आरसीबी फैन को भी लगवाना चाहिए, तभी आरसीबी जीतेगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। किंग कोहली ने एक और चमत्कार भी कर दिया कल के मैच में, 103 मीटर का छक्का ऐसा मारा हैदराबाद की टीम को तो बस हो गए, दस्त हो गए। वैसे तो किस्मत हो तो फैफ डुप्लेसिस जैसी हो, हमेशा कोई ना कोई उनकी कैच छोड़ देता है, और जैसे उनका कोई कैच छोड़ देता है फिर तो अपना टॉप गियर लगा लेते हैं वो। मेरे को लगता है कि उनका लकी चार्म है कि कोई उनकी कैच छोड़ेगा और फिर वो रन बनाएंगे। ऐसे ही कल के मैच में हुआ, 8 रन पे कैच छूटी और फिर तो 71 रन पे जाके गाड़ी रुकी। फिर एंट्री होती है हमारे सिराज भैया की, जो उन्होंने बॉलिंग करी है और इकोनॉमी निकाली है। इतनी तो मारुति सुजुकी की गाड़ियां इकोनॉमी नहीं निकालती जितनी सिराज भाई ने अपनी इकोनॉमी निकाली है। भाई साहब हैदराबाद की टीम को रन मारने तो छोड़ो, रन सूंघने भी नहीं दिए। बात करें अगर हैदराबाद की टीम की तो बात करने के लायक तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक क्लासन को छोड़ के। ये बड़ी अच्छी बात कही है, बेचारा वही रन बनाए जा रहा है पिछले कुछ मैचों से। मेरी मानो तो काव्य दीदी को मैं एक राय दूंगा कि ये जो तीन बंदे हैं माकरम हैरी और ग्लेन, इनको तो यार निकाल ही दो, ये तो बस किस्तों में रन बनाए जा रहे हैं। हैरी ब्रूक्स ने तो एक बार सेंचुरी मारी थी, वो तो पता नहीं कैसे चमत्कार हो गया, दोबारा तो रन देखने को नसीब ही नहीं हो रहा। आरसीबी की टीम आ चुकी है टॉप 4 पे, और इसी बात पे सब लोग अपने घर पे चीकू लिया और चीकू शेक पियो, क्योंकि हमारे चीकू भैया की बदौलत ही हुआ है ये सब। ऐसा आज बैटिंग ऑर्डर इन आईपीएल 2023, क्लासन 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 हेनरिच क्लासन इन आईपीएल 2023, 16, 6, 36, 17, 31, 33, 56, 36 क्लासन ही एसआरएच को भाई संभाल रहा है, वरना बाकी सब तो ग्राउंड की हवाई खाने आ रहे हैं। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। क्लासन मेड एन आईपीएल सेंचुरी, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन आईपीएल, बेस्ट अगेंस्ट स्पिन, इंप्रेसिव अगेंस्ट फास्ट, क्लासन आरसीबी। क्यों आरसीबी वालों, केएल नाम सुन के बीकेएल समझा क्या, क्लासन हूं मैं, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, फिर भी एसआरएच हार गई। ये चुप है, इट्स ऑलवेज एन एक्स आरसीबीयन, 100 फॉर क्लासन, व्हाट अ नॉक, व्हाट अ सीजन, अ सीजन टू रिमेंबर। विराट कोहली ये सब दोगलापन है, परफॉर्मिंग अगेंस्ट योर एक्स फ्रेंचाइजी क्लब। व्हेन शी इज योर गर्लफ्रेंड, 6 रन 7 बॉल में, व्हेन यू ब्रेक अप, इसे बोलते हैं कमबैक। आरसीबी वोन should be bo, yeah, he's a king. King Kohli के सामने तो भाई सबने वो कर दिया कल। मामला बहुत गंभीर है भाई साहब, मुझे नहीं लगता गौतम गंभीर को कल नींद आई होगी विराट कोहली की ये बैटिंग देख के। अगर ऐसी 2-3 सेंचुरी और बना दो विराट भाई, बस फिर वो दिन दूर नहीं है जब ट्रॉफी आरसीबी के हाथों में होगी। लेकिन सुन के अच्छा लगा, ना डरे ना जिम करे किंग कोहली हूँ बेटा, आरसीबी को प्लेऑफ में क्वालिफाई करा दूं जब मन करे। और आरसीबी आ चुकी है टॉप 4 में, एसआरएच वर्सेस आरसीबी, ना एलिमिनेटर एलएसजी वर्सेस आरसीबी, ये देखना है हमें, बस रब्बा वो दिन दिखा दो। आरसीबी फैंस वॉचिंग आरसीबी एंड एसआरएच मैच, स्क्रीन ढक के कई भाई मैच ना हार जाए। क्लासन 104, ब्रुक्स 27 रन, एसआरएच टॉप ऑर्डर, पिचकारी लेके आया एसआरएच का टॉप ऑर्डर। वैसे तो अगर क्लासन के रन हटा दे तो बचा ही निकल गए मैच में कुछ। आरसीबी 108 जीरो ने एसआरएच को भारी कर दिया, एसआरएच ने तो वही उम्मीद छोड़ दी, ये दोनों आज पेलेंगे। हैदराबाद फैंस काव्या विराट कोहली भाई साहब, बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई गाइस चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब बटन को ठोक दो यार, और तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरी जान। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।